अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से कि बोर्ड एग्ज़ाम जून के महीने में होंगे और पेपर का पैटर्न बिल्कुल तब्दील हो गया है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो वो भी बता देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी न्यू पेपर पैटर्न नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए एंड तक देखिएगा। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपको न्यू पेपर पैटर्न नहीं पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कम टू लर्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, IBBC का जो अजलास दो दिन पहले हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ था कि एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पेपर पैटर्न अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब पेपर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का होगा, जिसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे। और ये फैसला IBBC के पिछले अजलास में हुआ था कि पेपर जो है MCQs बेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये बात कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम लाजमी होंगे और MCQs बेस होंगे, जो 1 से 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम्स के हवाले से जो नई पॉलिसीज बनाई गई हैं, तमाम SOPs को बरकरार रखते हुए और सामाजिक फासले को बरकरार रखते हुए पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, फुल कन्फर्म अभी फैसला होना है नेक्स्ट अजलास में, क्योंकि ये जो फैसले हुए थे यहाँ भी, ये भी नीचे लेवल के अजलास थे और इन अजलास में जो फैसले हुए थे वो आपको बता दिए गए हैं। इसे हतमी फैसला ना समझिएगा, अभी हतमी फैसले होने हैं। इसलिए उम्मीद है नेक्स्ट अजलास, जो IBBC के नेक्स्ट अजलास हैं, उनमें ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो IBBC के अजलास होते हैं ये नीचे लेवल के होते हैं। इसके बाद वफाकी वज़राए तालीम की मीटिंग होती है वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद वज़ीर आज़म फाइनल करेंगे। अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।